नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों का इंग्लिश का पेपर है 2 बजे से। उसके पहले हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं, आप इसको चाहे रट लीजिएगा चाहे ध्यान से समझ लीजिएगा। एक एक वर्ड मीनिंग में बता दूंगा, सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2020 के हर सेट में आया है, सेट नंबर 7 में। और ये इतना अच्छा पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन है कि इसमें मतलब करियर से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, नेचुरल से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड सब इसमें है, ठीक है ना। विद्यार्थियों से रिलेटेड है इसलिए इसके आने का लगभग भरपूर चांस है, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं, एक एक वर्ड मीनिंग समझ लीजिएगा है क्या। देखिए, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। ये एक लाइन हो गया, किसके सामने समस्याएं हैं? हमारे विद्यार्थियों की, आपका सब्जेक्ट हो गया। आवर स्टूडेंट्स, सामने समस्याएं हैं अर्थात उनके पास समस्याएं हैं। आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स टूडे, ठीक है ना। अब ये देखिए, समस्याएं हैं अर्थात समस्याएं पास में है जो है माने पास होना, बहुवचन हो तो हैव लगा। उसके बाद यह है, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। उन्हें का मतलब दे शुड अंडरस्टैंड, उन्हें समझना चाहिए दैट कि शिक्षा का लक्ष्य केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है। दैट शिक्षा का लक्ष्य, एम ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का लक्ष्य, इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। आप इतना भी लिख सकते हो, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद दिया है, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। यदि का मतलब होता है इफ। अब देख, इफ एजुकेटेड पीपुल हियर, यदि पढ़े लिखे यानी शिक्षित लोग यहाँ पे माने दें क्या अटेंशन, पे अटेंशन ध्यान दें ऑन एग्रीकल्चर कृषि पर, देन तब वी कैन ओवरकम आवर प्रॉपर्टी। देखिए, तब तो हम लोग की दरिद्रता दूर हो सकती है अर्थात हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब देन वी कैन ओवरकम आवर पॉवर्टी, ओवरकम माने दूर करना, आवर माने हमारी, पॉवर्टी माने गरीबी, ठीक है ना। ये लिखा कुछ और है, ट्रांसलेशन अपनी भाषा में करना है, यानी दरिद्रता दूर हो सकती है अर्थात हम गरीबी दूर कर सकते हैं। तो उन गांवों का समाज, सॉरी, दरिद्रता दूर हो सकती है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। अब देखिए, आवर विलेज नीड, हमारे गांव का आवश्यकता है इम्प्रूवमेंट, सुधार की, ठीक है ना। इफ एजुकेटेड, देखिए यहां दिया है, ये शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। यदि एजुकेटेड पीपुल विल लिव, यदि एजुकेटेड यानी शिक्षित लोग विल लिव रहेंगे इन विलेज, गांव में, द सोशल लाइफ ऑफ विलेज, गांव की सामाजिक जीवन या सामाजिक जीवन वुड कंप्लीटली चेंज, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से चेंज माने बदल जाएगी, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिला पाना चाहता या होना चाहता है। अब देखिए, स्कूल की पढ़ाई खत्म करके इन दिनों, दीज डेज एवरी स्टूडेंट वांट्स टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। कहने का मतलब, दीज डेज, इन दिनों, द वेरी एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी वांट्स, चाहता है टू गेट एडमिशन, एडमिशन पाना इन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, ठीक है। अब देखिए, यह धारणा एकदम गलत है, दिस नेशन, यह धारणा इज कंप्लीटली, पूरी तरह से रॉन्ग यानी गलत है, यानी पूर्ण रूप से गलत है या एकदम इसको बोल सकते हो, एकदम गलत है। द यंग मैन, अब देखिए यहां दिया है, भारतीय युवक और युवतियों का इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। भारतीय युवक और युवतियों यानी नौजवान युवक और युवतियों का, देखिए कहा गया, द यंग मैन एंड वोमेन यानी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया मतलब भारत से जो यंग मैन, आदमी और महिला यानी युवक और युवतियां, शुड थिंक, जो भारत के लोग होते हैं उन्हें शुड थिंक, सोचना चाहिए ऑन दिस, यहाँ टॉपिक आप लिख सकते हो या रिस्पेक्ट, ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर। उसके बाद यह, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। देन माने तभी, ओनली, तभी केवल, दे, उसके बाद, कैन बोल्डली, बोल्डली मतलब साहस पूर्वक या निर्दयता पूर्वक, तभी वे साहस पूर्वक फेस माने सामना करेंगे द फ्यूचर, भविष्य का, ठीक है ना। इतना सरल है, एक दो बार वीडियो घुमा कर देख लीजिएगा, पक्का आपको समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छे से आप अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।